जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह चैनल आपको कैंटोनमेंट से रिलेटेड सभी प्रकार के नोटिफिकेशन अपडेट करता है, और अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपको पहले से जानकारी होगी कि हम आपको एलिजिबल और रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी बताते हैं। जो भी डाटा मेरे पास होता है वो सभी आपको मैं उपलब्ध कराता हूँ। तो वापस से लगभग 4-5 पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट और रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट लेकर आया हूँ। इसके अतिरिक्त लगभग 4 से 5 कैंटोनमेंट्स में नई वैकेंसी निकली हुई है कुछ पोस्ट पर, जिसमें आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी जानकारी करेंगे। और इसके अतिरिक्त काफ़ी बच्चों का कहना है कि आप रिजेक्टेड लिस्ट और एलिजिबल कैंडिडेट के लिस्ट बता दीजिए। तो जैसे जैसे मेरे पास डाटा आता जाएगा मैं आप सभी को उपलब्ध कराता जाऊँगा। पेपर तो आपका थोड़ा सा लेट में होने वाला है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मई तक जाएगा या और आगे भी जा सकता है, ठीक है। और इलेक्शन पोस्टपोन हुआ है, अगर मेन रीजन रहा होगा इलेक्शन तो पेपर का नोटिफिकेशन आउट हो जाना चाहिए था 2-3 हफ्ते में। और आपके लिए अच्छा ये है कि पेपर आपका जितना जल्दी हो जाए, काफ़ी बच्चे निराश होने लगे हैं अभी से ही। तो चलिए सबसे पहले एलिजिबल कैंडिडेट्स के नेम देख लेते हैं, उसके बाद जो लगभग 4 से 5 कंटोनमेंट में नई भर्तियाँ निकली हैं जिसपे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं आसानी से, उसके बारे में भी जानकारी करेंगे। तो चलिए एलिजिबल कैंडिडेट्स की ओर बढ़ते हैं। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स में जो सबसे पहले लिस्ट आपकी होने वाली है वो जूनियर क्लर्क कम कंपाउंडर की होने वाली, ठीक है। आप इसमें आसानी देख सकते हैं, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी वगैरह लिखी है, साइड में वैलिड और इनवैलिड भी लिख रखा है, ठीक है। तो इसमें आप चेक कर लेंगे अपना जाकर के, ठीक है, इसके ऑफिशियल साइट पर। और इनवैलिड क्यों का हुई है, ठीक है, तो वो भी इसके बगल में रीजन लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इन्होंने अप्लाइड फॉर जूनियर क्लर्क किया है ड्यू टू ओवर एज, ठीक है, रीजन भी बगल में लिखे होते क्या कारण था कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें अगर टोटल फॉर्म फिलअप की बात करी जाए तो इसमें काफ़ी फॉर्म फिल किए गए हैं, ठीक है, और वैकेंसी तो इतनी ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन फॉर्म का अगर लिस्ट देखी जाए तो इसमें लगभग 212 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है, और 212 में लगभग 50 कैंडिडेट्स का फॉर्म या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो पहली लिस्ट तो ये रही, ठीक है। सेकंड लिस्ट की ओर बढ़ते हैं, तो सेकंड लिस्ट आपका जो है वो है आपका फार्मेसी ऑफिसर का, ठीक है। फार्मेसी ऑफिसर भी सेम मेथड है, इसमें भी साइड में आपका दे रखा है रीजन, ठीक है, वैलिड इनवैलिड यहाँ पर दे रखा है। तो पहला जो इन्होंने लिखा नो एप्लीकेशन फॉर्म मस्टेड, तो इन्होंने इसके साथ में कुछ एप्लीकेशन वगैरह लगाना होता है, उन्होंने उसको अटैच नहीं किया हुआ अपलोड करते वक्त, ठीक है। चलिए इसके भी कौन सा पोस्ट था, ये आपका पोस्ट है आपका फार्मेसी ऑफिसर का। फार्मेसी ऑफिसर के लिए लगभग वो जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। और अपने कंटोनमेंट्स का नाम लिख दीजिए अगर ये, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके कंटोनमेंट से रिलेटेड आपको जानकारी नहीं दी जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन या जितना भी डाटा मेरे पास आता जाएगा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और लगभग 524 कैंडिडेट्स हैं, और अगर रिजेक्टेड की बात की जाए तो इसमें भी रिजेक्टेड कम से कम अच्छे से देखा जाए तो 80-85 कैंडिडेट तो रिजेक्ट हो गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पोस्ट की ओर बढ़ते हैं, तो अगला पोस्ट जो है वो है आपका टेक्नीशियन का, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन का। तो आप किसी भी कैंटोनमेंट से हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, कितने बच्चे फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। लगभग सभी जो कैंटोनमेंट्स में वैकेंसी के रेशियो में अगर आप लेकर चलेंगे तो मैंने जहाँ तक एनालाइज किया है तो सभी कैंटोनमेंट्स में अगर वैकेंसी और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का रेशियो लिया जाए तो लगभग सेम रहा, ठीक है। तो इसमें भी वैलिड इनवैलिड वही मेथड है, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन का पोस्ट है। और सॉरी, कंटोनमेंट का नाम तो आपको बताना भूल गए, कंटोनमेंट आपका देहू रोड है, ठीक है, देहू रोड का ये है। और इसमें जो पोस्ट फिल किए गए हैं लगभग 103 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, और इसमें भी रिजेक्ट होंगे 10-20 कैंडिडेट्स। नेक्स्ट पोस्ट आपका होने वाला है वार्ड आया का पोस्ट है, और इसमें जो टोटल फॉर्म फिल किए गए हैं वो है लगभग 116, ठीक है, 116 कैंडिडेट्स ने वार्ड आया के लिए फॉर्म फिल किया है, और इसमें से भी करीब 15-20 तो रिजेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए हर थोड़ी थोड़ी नीचे पे इनवैलिड लिख के आ रहा है, ठीक है। तो जो आपका अगला इन्फॉर्मेशन उसको भी देते हैं कि कितने कैंडिडेट्स यानी कितनी वैकेंसी आई है, ठीक है। तो हाल ही में जो टोटल कैंटोनमेंट्स मिला के जो वैकेंसीज निकली हैं लगभग 211 वैकेंसीज हैं,
और जिन कंटोनमेंट्स में अभी भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं उनके नाम आपको बता दिया जाता है। पहला तो आपका फायरमैन का आपका चल रहा है, ठीक है, जो कि लास्ट डेट आपका 29 मार्च का है, ठीक है। नोटिफिकेशन आप जाकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं और इसकी फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सैनिटरी इंस्पेक्टर की आपकी भी चल रही है, ठीक है, फॉर्म फिलअप लास्ट डेट 27 मार्च है, तो आप अगर फिल करना चाहते हैं इच्छुक हैं तो आप फिर आ करके फिल कर लीजिए। कंटोनमेंट पचमढ़ी है, ठीक है, पचमढ़ी है। और नेक्स्ट पोस्ट आपका है, ये देख सकते हैं अलाहाबाद कंटोनमेंट में निकला हुआ है, लास्ट डेट इसकी 4 अप्रैल है, तो काफ़ी समय है, लेकिन समय ना व्यर्थ करें और इसका फॉर्म जाकर के फिल कर दें अगर आपको फिल करना है, ठीक है, आप एलिजिबल हैं इसके लिए। कौन कौन से पोस्ट हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, स्टाफ नर्स, स्टेनोटाइपिस्ट, हेल्थ वर्कर, पंप ड्राइवर एंड लाइनमैन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट निकली हुई है। और नेक्स्ट पोस्ट आपका 17 मार्च तक था, ऐसा करता हूँ कि आप सभी ने इसका फिल किया होगा, दिल्ली कंटोनमेंट का था असिस्टेंट टीचर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट आपका निकला हुआ है पुणे कंटोनमेंट बोर्ड में, और इसमें अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, टोटल 168 वैकेंसी। और जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कंपटीशन, तो पुणे कंटोनमेंट में हाई रहने वाला है, लेकिन आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो फॉर्म फिल करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है, नेटवर्क वगैरह अच्छे से होना चाहिए जब आप पेमेंट कर रहे हो। तो इसमें सफाई कर्मचारी, क्लर्क, टीचर, इंजीनियर, सुपरटेंडेंट पोस्ट, ठीक है, टोटल इतने निकले हुए हैं। अगर नेक्स्ट पोस्ट की बात कीजिए तो फिरोजपुर में निकली हुई है, ठीक है, फार्मासिस्ट की एक ही पोस्ट है, इसमें एग्जैक्ट डेट नहीं दे रखी, तो हो सकता है मार्च के लास्ट तक हो रहा, ठीक है। और दानापुर कंटोनमेंट निकला हुआ था 11 मार्च, इसका लास्ट डेट निकल चुका है, ठीक है, देख सकते हैं आप बाकी भी कंटोनमेंट्स में, जिन कंटोनमेंट्स में आपका लास्ट डेट था, ठीक है, और अपने कंटोनमेंट्स का नाम लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और जो भी जानकारी चाहिए प्लीज़ कमेंट मेंशन कर दिया करिए, ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल होगा आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।